दोस्तों बिग बॉस में धूम्रपान कहाँ किया जाता है, कहाँ पर अलाउड है धूम्रपान करना? स्मोकिंग रूम में। लेकिन दोस्तों बिग बॉस 16 में जो कॉन्टेस्टेंट है इस बार कौन कौन स्मोकर है वो आपको पता है, उसको लेकर मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ। और आज मैं बताऊंगा बिग बॉस के घर में जो जो स्मोक करते हैं वो कौन सा ब्रांड का सिगरेट पीते हैं। तो चलिए मेरे साथ जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं एमसी स्टैन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एमसी स्टैन कौन सा सिगरेट पीते हैं? दोस्तों एमसी स्टैन का दो ब्रांड है, क्लासिक और गोल्ड फ्लेक किंग। दोस्तों यहाँ पर एमसी स्टैन गोल्ड फ्लेक किंग पीते हैं। इसके बाद आते हैं टीना दत्ता। टीना दत्ता एक लाइट सिगरेट पीते हैं, जो कि आते हैं मालबोरो कंपनी के, मालबोरो लाइट, वो सिगरेट पीते हैं टीना दत्ता। इसके बाद आते हैं अंकित गुप्ता। अंकित गुप्ता वो भी मालबोरो सिगरेट पीते हैं, लेकिन वो मालबोरो ओरिजिनल मतलब मालबोरो जो प्लेन है वो सिगरेट पीते हैं। इसके बाद आते हैं गौतम। ज्यादा गौतम विज भी स्मोकर है और वे पीते हैं गोल्ड फ्लेक किंग लाइट, और ये बहुत पॉपुलर सिगरेट है, बहुत लोगों को ये हम अक्सर बिग बॉस में पीते हुए देखे हैं। इसके बाद आते हैं साजिद खान। दोस्तों साजिद खान तो हैवी स्मोकर नहीं है, वे बिग बॉस में आने के बाद कहते कि यहाँ पर आकर वो सिगरेट स्मोक करना छोड़ देंगे, मतलब बाहर जाते वक्त उनको आप नो स्मोकर देखेंगे और ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे जो सिगरेट पी रहे हैं वो है मालबोरो रेड। जी हाँ दोस्तों, मालबोरो रेड बहुत अच्छा सिगरेट है और ये भी पॉपुलर ब्रांड है। इसके बाद है अर्चना। दोस्तों अर्चना गौतम बहुत लाइट स्मोकर है, कभी कभार देखा गया है सिगरेट पीते हुए, और वे गोल्ड फ्लेक किंग लाइट सिगरेट पीते हैं। दोस्तों बात करें शालिन बनौत के बारे में। शालिन बनौत हैवी स्मोकर है और उनका दो ब्रांड है, एक है मालबोरो और एक है लीजेट मायर्स मतलब L&M। ये दोनों ही सिगरेट पीते हैं, यहाँ पर तो उनको मालबोरो का स्टॉक मिल जाता है और L&M का उन्होंने अर्जी देके रखे हैं, तो ये दोनों कंपनी का सिगरेट वो कभी कभार पी लेते हैं। तो दोस्तों बाकी जो कॉन्टेस्टेंट है वो ये नॉन स्मोकर है, बिग बॉस में सिगरेट नहीं पीते हैं अब तक तो जो जानकारी मिला है। इस बार आप बिग बॉस 16 में किसे सपोर्ट करें, कैसा लग रहा है बिग बॉस का शो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा। दोस्तों मुझे इंतजार है दोस्तों आपको कमेंट का।